मक्के की रोटी सुपर सॉफ्ट, सुपर न्यूट्रिशियस, सुपर डिलीशियस और न जाने कितनी क्वालिटी से भरपूर होती है। इसके साथ अगर लहसुन मिर्च की चटनी या ठेचा मिल जाए तो सोने पे सुहागा। अब कोई बोलेगा सरसों का साग क्यों नहीं? अरे भाई, सरसों सिर्फ ठंड में मिलता है। अगर तू ठंड में बना रहा हो तो सरसों का साग बना लेना। मैं गर्मी में बना रहा हूँ, मेरे लिए ठेचा बेस्ट है। तो चलो देसी इंडियन फूडोलॉजी के साथ आज इसे सीखते हैं बनाना बिल्कुल आसान भाषा में। गैस पर चढ़ाए एक बर्तन और डाले एक गिलास पानी, और पानी में डाले 2 चम्मच नमक और उबलने के लिए छोड़ दे। जब पानी में उबाल आ जाए तो इसमें डाले मक्के का आटा और चम्मच की हेल्प से पानी और आटे को अच्छे से मिक्स कर ले। आटा पूरा पानी सोख लेगा। इस गर्मा गर्म मिक्सर को ढक्कन ढककर लगभग 2 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दे। 2 मिनट बाद अब आटे को किसी दूसरे बर्तन में निकाले और 1 मिनट तक और वेट करें ताकि यह थोड़ा सा ठंडा हो जाए। इसके बाद इसे हाथों से अच्छे से मसल कर एक टाइट डो तैयार कर लेना। जरूरत पड़े तो थोड़ा सा गुनगुना पानी या आटा और मिला लेना। अब गैस पर चढ़ाएं एक तवा और मीडियम फ्लेम पर उसे गर्म होने दें। आटे से एक हिस्सा तोड़े और हाथों में लेकर गोल गोल करते हुए एक पेड़ा तैयार कर लें। इस पेड़े को गेहूं के आटे या मक्के के आटे में डिप करें और बेलन की हेल्प से एक गोल गोल या आपको जिस तरह की रोटी बनाना आती है वैसी बना लें। अब इस रोटी को डालें गर्म तवे पर और दोनों साइड से बढ़िया से पकने दें और सेक लें। जरूरत पड़े तो डायरेक्ट गैस पर भी पका लें। ये गर्मा गर्म ही टेस्टी लगती है। तो गर्मा गर्म रोटी पर डालें 1 चम्मच देसी घी या बटर और तीखे ठेचे या लहसुन मिर्च की चटनी के साथ एंजॉय करें। और हाँ, रेसिपी पसंद आई हो सब्सक्राइब तो लाइक शेयर कॉमेंट कर दें। थैंक यू।